नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल सियासी तारखा पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशन के बारे में, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। जब से फैमिली आईडी बनाई गई है कई जो बुजुर्ग है वो पेंशन नहीं ले पा रहे हैं और विधवा विकलांग पेंशन में भी कई प्रकार की दिक्कत आ रही है। उन दिक्कतों के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों एक्स सर्विसमैन नहीं प्रूफ लेकर आ रहे हैं लोग। ज़िले में सबसे अधिक पेंशन होल्ड होने का कारण एक्स सर्विसमैन बताया गया है, इसी कारण उनकी पेंशन को होल्ड पर रख दिया गया है। कार्यालय में इन दिनों लोग ये प्रूफ लेकर आ रहे हैं कि वो एक्स सर्विसमैन नहीं है। इससे पहले फैमिली आईडी में अपडेट करवा रहे हैं तो उसको जो हाथ से लिखकर एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया जा सकता है, लेकिन लोग जो सीएससी द्वारा परफॉर्मा बनाया गया है वो लेकर समाज कल्याण विभाग आ रहे हैं। एसएस राजेंद्र कुमार ने बताया कि महिलाओं की विधवा पेंशन रुकी हुई है, उनको अपनी आईडी में विधवा या जो बेसहारा ऑप्शन है उसका चयन कर लेना है, उसके बाद फैमिली आईडी को अपडेट कर देना है। अपडेट होने के बाद उनको कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं होगी और उनकी पेंशन स्वयं ही शुरू हो जाएगी, पोर्टल खुद से अपडेट हो जाएगा और पेंशन भी अपने आप अपडेट हो जाएगी और खाते में आना शुरू हो जाएगी। जिनकी पेंशन में एक्स सर्विसमैन लिखा है वो किसी भी विभाग में रिटायर नहीं है, ऐसे लोगों को अपनी फैमिली आईडी में इसको हटवाकर सीनियर सिटीजन पेंशन लिखवाना है। इन लोगों को एप्लीकेशन के साथ फैमिली आईडी के साथ आधार कार्ड की जो प्रति है वो कार्यालय में जमा करवानी होगी, तब उनकी पेंशन है वो शुरू हो पाएगी। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन के बारे में। समाज कल्याण के अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जिन व्यक्तियों की दिव्यांग पेंशन बनी हुई है तो उनको अपना जो नया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो कि यूआईडी नंबर युक्त होगा वो विभाग में जमा करवाना होगा। सीएससी सेंटर पर जाकर यूडीआईडीआई साइट पर उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद जो ज़िला मुख्यालय अस्पताल है वहाँ उनकी मेडिकल होगी और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद वो कार्यालय में जमा करवाना होगा, उसके पश्चात उनकी पेंशन है वो शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों इस प्रकार जो तीनों पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन, उसके बारे में आज की अपडेट थी। दोस्तों आज की अपडेट आपको कैसी लगी? अपडेट पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।